महाराष्ट्र की सियासत पर शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने बड़ा बयान दिया। स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने कहा कि महाराष्ट्र में उद्धव ठाकरे के साथ विश्वासघात हुआ है, वो उद्धव ठाकरे को मुख्यमंत्री के पद पर बैठे देखना चाहते हैं। वहीं इस बयान के बाद से सियासत गर्मा गई है और अब आचार्य प्रमोद कृष्णम का भी इस पर बयान सामने आया है। पहले आपको सुनाते हैं कि शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती महाराज ने उद्धव ठाकरे पर क्या कुछ कहा। हम सब लोग हिंदू धर्म के, सनातन धर्म के पालन करने वाले लोग हैं। हमारे यहाँ पुण्य पाप की भावना बताई गई है। सबसे बड़े पाप गौ घात आदि बताए गए हैं, लेकिन उससे भी बड़ा घात विश्वासघात बताया गया है। आपके जो उद्धव ठाकरे जी हैं, इनके साथ विश्वासघात हुआ है और इसी बात की पीड़ा बहुत सारे लोगों के मन में है। तो आज हम यहाँ पर उनके अनुरोध पर आए, उन्होंने स्वागत किया। हमने उनसे ये कहा है कि हम सबके मन में इस बात की पीड़ा है कि आपके साथ विश्वासघात हुआ। जब तक पुनः महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री की कुर्सी पर आप विराजमान नहीं हो जाते, तब तक हम लोगों के मन का ये जो दर्द है, ये पीड़ा है, ये दूर नहीं हो सकती है। तो उन्होंने कहा है कि जैसा आप लोगों का आशीर्वाद होगा हम करेंगे। हमारे साथ विश्वासघात हुआ। देखिए, किसका हिंदुत्व असली है तो ये जानना पड़ेगा कि जो विश्वासघात करे वो हिंदू नहीं हो सकता है। जो विश्वासघात सह ले वो तो हिंदू होगा, क्योंकि उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो जिन लोगों ने विश्वासघात किया वो कैसे हिंदू हो सकते हैं? नहीं, बीजेपी का कहना है कि पहले उद्धव ठाकरे ने बाकी लोगों के साथ मिलकर उनके साथ विश्वासघात किया और यही वजह है कि बाद में उत्तराधिकारी नहीं पड़ी। आपको बोलते हैं हम है उनके विचारों के उत्तराधिकारी है, उद्धव जी बोलते हैं हम है विचारों के उत्तराधिकारी। भाई, हम कह रहे हैं कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, अब इसे में आप समझ लीजिए। बीजेपी ने, इसलिए पूरे महाराष्ट्र की जनता इस बात से पीड़ित है। सबके मन में इस बात का दर्द है, चुनाव में इस बात का पता भी चल चुका है। अब तो ये बात प्रमाणित हो चुकी है कि महाराष्ट्र की जनता इस बात को मानती है कि उद्धव ठाकरे जी के साथ विश्वासघात हुआ है, और ये ठीक नहीं है। ये जनता का भी अनादर है। जनता जिसके लिए बहुमत देती है उसको उसके समय तक के लिए बनाए रखना चाहिए। बीच में सरकार को तोड़ देना और बीच में जनमत का अनादर करना, ये अच्छी चीज़ नहीं है। वहीं उद्धव ठाकरे को लेकर ज्योतिर्मठ के शंकराचार्य अविमुक्तेश्वरानंद के बयान पर आचार्य प्रमोद कृष्णम ने पलटवार करते हुए कहा कि उद्धव ठाकरे या देवेंद्र फडणवीस किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने बाला साहेब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया उस पर क्या कहा जाएगा? शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। आइए सुनते हैं पूरा बयान कि आचार्य प्रमोद कृष्णम ने क्या कुछ कहा। देखिए, उद्धव ठाकरे जी के साथ या देवेंद्र फडणवीस जी के साथ विश्वासघात हुआ, किसके साथ विश्वासघात हुआ, इसका फैसला महाराष्ट्र की जनता करेगी। लेकिन हिंदुत्व के साथ विश्वासघात करने पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने बाला साहब ठाकरे साहब की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाएगा? पूज्यपाद शंकराचार्य जी को जरूर बताना चाहिए कि जिन्होंने छत्रपति शिवाजी महाराज की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने सनातन की और हिंदुत्व की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा? जिन्होंने वीर सावरकर की विचारधारा के साथ विश्वासघात किया है उस पर क्या कहा जाएगा? तो शंकराचार्य जी को इस पर प्रकाश डालना चाहिए और मुझे पूरा भरोसा है कि पूज्यपाद शंकराचार्य जी इस पर जरूर प्रकाश डालेंगे कि राष्ट्र बड़ा है या राजनीति, सनातन बड़ा है या सियासत। जिन्होंने भारत माता के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए? जिन्होंने वंदे मातरम के साथ विश्वासघात किया हो उस पर क्या कहा जाए? उसको क्या कहा जाए?
पाप या पुण्य? सोना चोरी हुआ है, शंकराचार्य जी ये बात कह रहे हैं, तो जरूर जांच होनी चाहिए, राज्य सरकार को इसकी जांच करनी चाहिए। ने ये भी कहा है कि मोदी के खिलाफ नहीं है, लेकिन जो करे जा रहे हैं वो सब गलत कर रहे हैं। नरेंद्र मोदी पूरी दुनिया में एक अकेले ऐसे नेता हैं जिनका नाम भारत के इतिहास में सम्राट विक्रमादित्य, चंद्रगुप्त मौर्य, हर्षवर्धन, समुद्रगुप्त और सम्राट अशोक के बाद स्वर्ण अक्षरों में लिखा जाएगा। नरेंद्र मोदी एक अकेले ऐसे नेता हैं देश की आजादी के बाद और देश की आजादी से पहले जो सनातन के ध्वजवाहक के रूप में पूरे विश्व में, विश्व के पटल पर, जिन्होंने भारत का और सनातन का ध्वज पूरे विश्व के पटल पर फहराने का काम किया है। मुझे नहीं लगता कि नरेंद्र मोदी जी से ज्यादा किसी ने भी सनातन का काम किया है, राष्ट्र का काम किया है। मां भारती के सच्चे सपूत हैं मोदी। नरेंद्र मोदी का विरोध करना है तो करो, किसी को कोई ऐतराज नहीं है, लेकिन इस राष्ट्र का ख्याल करो, मां भारती का ख्याल करो। ब्यूरो रिपोर्ट, इंडिया पब्लिक खबर। फिलहाल इस पूरी खबर पर आपका क्या कह रहा है कमेंट में लिखकर अपनी राय जरूर बताएं। देश और दुनिया की बाकी खबरों के लिए सब्सक्राइब करें इंडिया पब्लिक खबर के यूट्यूब चैनल को और बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलें।